ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय नमः। नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि मिथुन राशि वालों के लिए 29 जून 2020 का दिन कैसा बीतने वाला है। आज के दिन आपके जीवन में क्या-क्या परिवर्तन होगा, क्या-क्या बदलाव होगा। इस वीडियो के लास्ट में आपके आज के दिन का शुभ रंग, शुभ अंक और अनोखा टोटका है, तो आप उसे भी देखें और आजमाने का प्रयास करें। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो के नीचे हर हर महादेव कमेंट कर दें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपकी शिक्षा के बारे में। मित्रों, शिक्षा के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य रहेगा, न ज़्यादा बेहतर न ज़्यादा खराब। आज के दिन पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आपका मन नहीं लगेगा। पढ़ाई करने आप जब भी बैठोगे तो कुछ ना कुछ आपके मन में हलचल होगा और इस हलचल की वजह से आपकी मानसिक एकाग्रता भंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका आने वाला समय बेहतर और शानदार हो, तो आपको सबसे पहले मानसिक शांति प्राप्त करनी होगी। इसके बाद बात करते हैं आपके कैरियर के बारे में। मित्रों, कैरियर के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से थोड़ा सा बेहतर है। आज के दिन अपने करियर के क्षेत्र में अगर आप कोई फैसला करते हो, तो उस फैसले की वजह से आने वाले वक्त में आपका करियर बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार होगा। वैसे अगर आपके नौकरी की बात करें, तो नौकरी के दृष्टिकोण से आपका समय सही रहने वाला है। आज के दिन अपने कामकाज से, अपने परिश्रम से, अपने बॉस को, अपने सीनियर को आप खुश करने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो आने वाले वक्त में आपकी नौकरी बहुत ज़्यादा बेहतर और शानदार हो जाएगा। वैसे अगर आपके प्रेम संबंध की बात करें, तो प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से थोड़ा सा नीचे है। आज के दिन अपने प्रेमी या अपनी प्रेमिका के साथ आप बहस करने से बचने का प्रयास करें, क्योंकि आज के दिन अगर आप उनसे बहस करते हो, उनसे नोक झोंक करते हो, तो आपका प्रेम संबंध खराब हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं आपके धन संपत्ति के बारे में। मित्रों, पैसों के दृष्टिकोण से आपका समय सामान्य से थोड़ा सा नीचे रहेगा। आज के दिन अपने खर्चे पर आपको कंट्रोल करना होगा। अगर आप ऐसा कर लेते हैं, तो आने वाले वक्त में आपको पैसों की कहीं कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद बात करते हैं कि आज के दिन किस उपाय को आजमाने के बाद आपका समय बेहतर और शानदार होगा। मित्रों, उपाय बहुत सामान्य है। आज के दिन आप स्नान ध्यान करने के बाद अपने इष्ट देव की पूजा करें, पूरे मन से, पूरे आस्था से, पूरे एकाग्रता के साथ आपका समय शानदार हो जाएगा और कहीं कोई समस्या नहीं होगी। आज के दिन आपके लिए भाग्यशाली अंक है 4 यानी कि 4। आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। तो यही था आपके आज के दिन का राशि फल। इस वीडियो को आप लाइक कर दें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को आप हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय सिया राम। राधे राधे।